गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा गया है, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, मतलब हमें औचित्य भी देना है। और कहा गया है प्रश्न नंबर 1 में, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इसकी लंबाइयां माप कर लिखिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रही आपकी पटरी और ये रहा आपका गोला प्रकार, और यहाँ पर 6 दिख रहा और यहाँ पर 0 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया 0, हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम 6 सेंटीमीटर का एक क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो वैसे तो 6 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं, ये इतना। ठीक है, ये हमने बना दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला। ठीक है, तो ये गोला बन गया कितने का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये देखिए। ठीक है, और ये रहा आपका केंद्र, इसका हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और कहा गया है कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर कितना, 10 सेंटीमीटर दूर। देखिए यहाँ पर कहा गया है 10 सेंटीमीटर दूर, तो चलिए हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर ऐसे करके एक रेखा खंड खींच देते हैं। ठीक है, और इस बिंदु को हम कोई नाम दे देंगे। क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, पी। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, किसका, ओपी का। तो आपको पता है कि लंब समद्विभाजक करने का नियम, आप आधे से ज़्यादा चाप को फैला लीजिए। ठीक है, उसके बाद इधर चाप लगा दीजिए, ऐसा ही इधर चाप लगा देना है। ठीक है, ये देखिए शायद आपको अब दिख गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी रखेंगे, ऐसा चाप लगाएंगे और यहाँ से ऐसा चाप लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दो दोनों कटान बिंदु हैं, इन्हें हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, वो भी कैसे, डैश डैश करके, चाहे तो हम पूरी तरह से मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हम इसे डैश डैश करके मिलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, जहाँ से ये गया है इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक आभासी वृत्त बनाना है। आभासी वृत्त मतलब कैसा होता है, आभासी वृत्त वो डैश डैश का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। देखिए आप इधर भी नाप सकते हैं और आप इधर भी नाप सकते हैं, तो बराबर त्रिज्या ही आएगी, और इसको हम डैश डैश करके ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी मतलब लोकल वाला वृत्त। ये कौन सा है, लोकल वाला वृत्त है। ठीक है, तो डैश डैश करते हुए ही हम लोग इसे बना देते हैं। ये देखिए अब ये आपका वृत्त बनकर तैयार है। ठीक है, अब देखिए ये जो वृत्त हमने बनाया आभासी, ये वृत्त पहले वाले वृत्त को देखिए यहाँ पर भी काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, इसका नाम हम दे देंगे क्यू और आर। ठीक है, इसका नाम हम क्यू दे देते हैं और इसका नाम हम आर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन आसान हो चुका है, तो हम पी को क्यू से मिलाएंगे, ऐसे करके हम पी को क्यू से मिला देंगे।
ठीक है, और पी को हम आर से भी मिला देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, और ये पी क्यू और पी आर ही आपकी क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया इसको नापकर भी लिखना है, तो चलिए हम इसको नापकर भी लिख लेते हैं। तो देखिए ये कितना जा रहा, लगभग देखिए ये बिल्कुल राइट 8 सेंटीमीटर। गौर से आप देख सकते हैं कि ये बड़ी लाइन ये यहाँ पर रखी हुई है, ये बड़ी लाइन जीरो वाली यहाँ पर रखी हुई है। कहने का मतलब ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकली, स्पर्श रेखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम आपको नाप कर दिखा देते हैं, तो ये देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमें औचित्य भी देना होगा। तो औचित्य देना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओ को भी क्यों से मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ओ को भी हम क्यों से मिलाएंगे और आर को भी हम क्यों से मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, ये वाला जो कोण है ये कोण हमें बनेगा 19 डिग्री का। क्यों 19 डिग्री का बनेगा, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो गौर से देखिए कि ओ क्यू पी ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण, यानी 19 डिग्री। ऐसा ही इधर भी देखिए, ये भी बना हुआ है ओ आर पी, ये भी अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, 19 डिग्री, यानी समकोण। ठीक है, तो आपको ये भी ज्ञात है कि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये जो क्या है पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएँ ही हैं। तो चलिए हम इसकी रचना लिख लेते हैं। तो देखिए रचना के चरण हमने पहले से इसके लिख चुके हैं। ठीक है, जिससे हमारा समय बच सके। ठीक है, तो देखिए आप पूरी की पूरी रचनाएं देख सकते हैं, ये रही आपकी टोटल रचनाएं। ठीक है, ये तो देखिए हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया, ओ पी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु M से होता हुआ जाता है। ठीक है, उसके बाद M को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जो पहले खींचे गए वृत्त को Q तथा R पर मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए पहले वाले वृत्त को Q और R पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद कहा गया है पी क्यू तथा पी आर को मिलाया, तो हमने मिला दिया। फिर कहा गया है पी क्यू तथा पी आर की लंबाई मापा जो कि पी क्यू बराबर पी आर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम देखिए औचित्य देंगे, तो औचित्य देने के लिए हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम लिखेंगे देखिए ये अर्धवृत्त बन रहे हैं ओ क्यू पी और ओ आर पी, इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त लिखेंगे, और अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि कौन कौन से अर्धवृत्त हैं, ओ क्यू पी तथा ओ आर पी अर्धवृत्त हैं, इसलिए लिख सकते हैं इस लिए कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी बराबर 19 डिग्री। ठीक है, अब दोनों देखिए आप आकृति में आपने देख सकते हैं ओ क्यू पी ओ आर पी 19 डिग्री हैं। तो हमें ये भी ज्ञात है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम जानते
है त्रिज्या। त्रिज्या लंब होती है किस पर? स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या क्या थी? त्रिज्या थी OQ। ठीक है, इसी बात को हम लिखेंगे, त्रिज्या क्या थी? OQ। OQ लंब होगी PQ। ठीक है, और उसके बाद एक त्रिज्या और थी, कौन सी? OR। यहाँ पर देखिए शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, OR लंब होगी किस पर? PR पर। PR, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः PQ तथा PR वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको एक बार हम आकृति पूरी तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपकी आकृति है, उसके बाद आप रचना के चरण की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी टोटल रचना के चरण हैं, उसके बाद और ये आपका पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ औचित्य है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखिए बच्चों, इसमें कहा गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां नापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हो जाएगा इधर 4 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, ये आपको शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये देखिए ये हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त, कहने का मतलब है इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। ठीक है, और इसी वृत्त पर हमें एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो ये हो जाएगा 6, और देखिए इसको थोड़ा सा हम और फैला लेते हैं, ये देखिए ये 6 है और ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये 6 सेंटीमीटर का पूरी तरह से हो चुका है, ये देखिए, तो यहाँ पर रखेंगे और इसे हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। ठीक है बच्चों, एक मिनट, ये हिल जाता है, तो ये हमने देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त बना दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, उसमें कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, कहने का मतलब है कि ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम किसी भी परिमाप पर हम एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु पी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस P को हम मिला देंगे O से। ठीक है, इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं और उसके बाद हम OP का अर्धक करेंगे, जैसा हमने पिछली वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो अर्धक करेंगे, तो अर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा का चाप लगाना है, इधर चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी चाप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर वृत्त पर कट रहा है तो। ठीक है, अब इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, डैश डैश करते हुए मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये देखिए इसको हम डैश डैश करते हुए मिला देते हैं। ठीक है, अब ये जो बिंदु जहाँ पर कटान बिंदु है
इसका हम नाम दे देते हैं M, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा कि M को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे, वो भी कैसा वृत्त, आभासी वृत्त। ये देखिए ये आपका होगा आभासी वृत्त, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, और इस वृत्त ने क्या किया कि पहले 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को देखिए ये काट देता है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं, देखिए पी दे चुके हैं, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पी को हम क्यू से मिला देंगे, ऐसे करके पी को हम क्यू से मिला देंगे और पी को हम आर से भी मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हमें औचित्य भी देना है, तो औचित्य देने के लिए हमें ओ को क्यों से मिलाएंगे, ओ को क्यों से मिलाएंगे और ओ को हम लोग आर से भी मिला देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे तो ओ क्यों पी ये एक अर्धवृत्त बन रहा, और अर्धवृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है वो 19 डिग्री यानी समकोण होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ओ आर पी यहाँ पर भी बनने वाला जो कोण होगा वो 19 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम औचित्य में लिखेंगे और आपका चित्र पूरी तरह से बनकर तैयार है, ठीक है। अब हम रचना के चरण लिखेंगे, तो आपको बता देते हैं कि रचना के चरण हमने पहले से लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि हमारा समय बच सके। अब देखिए ये आपकी पूरी रचना के चरण हैं, ये 6 रचना के चरण हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचा, बड़े वृत्त की परिधि पर पी बिंदु अंकित किया, ओ से पी को मिलाया, साथ ही सम विभाजित किया जो बिंदु M से होता हुआ जाता है, ठीक है। उसके बाद ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को क्यू तथा आर पर प्रतिच्छेद करता है, पी से क्यू को तथा क्यू पी से आर को मिलाया। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए क्यू को पी से और आर को पी से मिलाया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि पी क्यू तथा पी आर मापने पर 4 दशमलव कितना जाता है, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो हम एक बार इसकी स्पर्श रेखाएं नापकर आपको दिखा देते हैं कि क्या वाकई में 4.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, और देखिए ये देखिए बिल्कुल राइट आ रहा, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 0 रखा गया है, ये 0 है और ये 4 है और ये 5 लिखा हुआ बीच में, यानी कि देखिए 4.5। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम औचित्य भी हमें देना है, तो चलिए हम औचित्य भी दे देते हैं, ठीक है। तो औचित्य में पहले आप आकृति को समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए आप आकृति को थोड़ा समझ लीजिए कि ओ क्यू पी ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ आर पी यहाँ पर अर्धवृत्त बना हुआ है और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिखेंगे कि ओ क्यू पी और ओ आर पी क्या हैं, अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं औचित्य में, क्या लिखेंगे, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी तथा ओ आर पी एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, ठीक है। इसलिए इसलिए कोण ओ क्यू पी बराबर कोण
ओ आर पी बराबर 19 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या इसमें दी गई है ओ क्यू, ओ क्यू, और स्पर्श रेखा है क्यू पी, ठीक है। इसी प्रकार त्रिज्या है ओ आर और लंब है किस पर, आर पी पर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः क्यू पी व आर पी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इसमें एक बात और कही है, क्या बात कही है, आप क्वेश्चन में एक बार देख सकते हैं। देखिए परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, तो हमें परिकलन से माप की जांच भी करनी है, ठीक है। तो आप आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 डिग्री बन रहा है, कहने का मतलब है ओ क्यू पी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए हम इधर ही आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं परिकलन, परिकलन, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ क्यू पी में हमें किसका सत्यापन करना है, सत्यापित करना है क्यू पी को, ठीक है। किसको, क्यू पी। तो 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। इसमें इसको या इसको हम आधार मान सकते हैं, और ये वाला कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है बड़ा वाला, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें किसे ज्ञात करना है, इनके हम पहले मान रख देते हैं। तो कर्ण देखिए कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, उसके बाद आधार हम इसे मानेंगे, यानी ओ क्यू, यानी 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना हो जाएगा, क्यू पी, क्यू पी का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 36, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 36 माइनस 16 बराबर क्यू पी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 6 से 6 जाएगा 0, और 3 में से 1 गया 2 बराबर क्यू पी, ठीक है, का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि क्यू पी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और अंडर रूट 20 का अगर हम क्या निकालेंगे, अगर इसका हम निकालेंगे क्या वर्गमूल, तो लगभग में ये कितना आएगा, ये 4.47 सेंटीमीटर, यानी लगभग 4.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ये आपका परिकलन हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप आकृति को देख लीजिए और साथ में परिकलन भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रचना की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रही आपकी पूरी रचना, और उसके बाद ये रहा आपका औचित्य, ठीक है। और आशा करते हैं बच्चों कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।